अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ममूना एंड आई एम ब्यूटिशियन फ्रॉम मुल्तान। तो जी, काशिश की पैलेट के साथ हम मेकअप करने वाले हैं। काशिश की आर्टिस्ट ट्राई पैलेट ली है, इसमें से मैंने लिया है डार्क पिंक शेड। उसको अपने क्रीज लाइन पे हम ब्लेंडिंग करते हुए बहुत अच्छे से तो अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इस पर अप्लाई करेंगे डल गोल्ड शेड, जो कि मेरा अपना बनाया हुआ है। आप नीचे दिए गए नंबर पर अपना ऑर्डर बुक करा कर ये परचेज भी कर सकते हैं। इसकी एक तो पिगमेंट बहुत अच्छी है, दूसरा ये बहुत इजीली अप्लाई होता है। इसको हम थोड़ा सा वेट करके अप्लाई करेंगे तो बहुत मज़े की ये शाइन देता है और इजीली अप्लाई भी हो जाता है। तो जी, यहाँ पर देख लें मैंने इसको यूज़ करने के लिए ब्रश कौन सा यूज़ किया है। और यहाँ लिया जी काशिश की ग्लिमर गार्डन पैलेट, उसमें से लिया है जी मैंने ये फिरोजी सा शेड, जो कि एप्लीकेशन के बाद थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ये देख लें जी, इस तरह से हम इसको आउटर कॉर्नर से इनर वाली साइड पे ले आते हुए हाफ आई बॉल पे अप्लाई कर लेंगे। ये मैट शेड है और इसको हमने फ्लफी से ब्रश के साथ अप्लाई कर लेना है अपनी हाफ आई लिड तक। ब्लेंडिंग का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है। और देख लें जी, आपने ब्रश किस तरह से चलाना है। ऐसे नहीं है कि आपने शेड्स उठाया ब्रशेस के साथ और ऐसे उठा के रख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये ब्लैक शेड भी उसी ग्लिमर गार्डन में से लिया है मैंने, और इसको हम आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर लेंगे। और जी, इसको आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करने पर इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और उसके बाद जो है हम ग्लिटर्स अप्लाई करेंगे। ग्लिटर्स चंक्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने क्रिस्टाइन की लैशेस ग्लू के साथ किए हैं। क्रिस्टाइन की लैशेस ग्लू लगा के इसके ऊपर हमने चंक्स अप्लाई कर दिए हैं, जो ब्लू और फिरोजी मिक्स कलर के चंक्स हैं। और लैशेस ग्लू जो यूज़ की है वो क्रिस्टाइन की है लैशेस ग्लू लैशेस को अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर जी मैं आईब्रोज के लिए यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टाइन की पैलेट नंबर 4। इसमें से डार्क शेड लेके मैंने अप्लाई कर लिया आईब्रोज को शेप देने के लिए। इसको हल्का सा मैंने वेट कर लिया है ब्रश को, उसके बाद जी इसको मैंने अप्लाई किया है। और इसके बाद जो है हम आई बोन पर लगा लेंगे डल गोल्ड हाइलाइटर, जो कि मैंने इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया था। आई बोन को हाईलाइट करने के लिए मैंने अप्लाई कर लिया डल गोल्ड। उसके बाद जो है ये जेल लाइनर लिया है मैंने, चाइना का प्रोडक्ट है ये, जस्ट इन 250 रुपीज़ का आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है। और इसको एप्लीकेशन करना बहुत ईजी होता है, इसकी एप्लीकेशन बहुत मज़े से हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। बेल आइकॉन को प्रेस करने का मकसद ये होता है कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। और इसी तरह की वीडियोस, मज़े मज़े की वीडियोस आप तक शेयर करती रहूं। तो जी बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बनाई है, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।